हेलो हाय एवरीवन, मैं आपका इंटरनेशनल कोच, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, क्वालिफाई फॉर ओलंपिक टोक्यो 2021 3000 मीटर स्टीपल चेस एनआईएस क्वालिफाइड कोच। आज हम आपको बताएंगे 21 किलोमीटर यानी कि हाफ मैराथन। आपकी काफ़ी डिमांड है और काफ़ी दिन से कमेंट्स है कि सर हाफ मैराथन के बारे में हमें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम दीजिए। तो आज हम आपको बताएंगे हाफ मैराथन का ट्रेनिंग प्रोग्राम। बताने से पहले हम समझाना चाहेंगे कि हाफ मैराथन जो एथलीट कर रहे हैं 21 साल के बाद ही करें, 20 साल से पहले ना करें। 21 साल के बाद ही आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है, क्योंकि जब हम 21 साल से पहले ट्रेनिंग करते हैं हाफ मैराथन की, क्योंकि माइलेज इसमें काफ़ी होता है और माइलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ज़्यादातर 80% इंडोरेंस पे चलती है। तो मैराथन के लिए हमें उम्र जब हमारी मैच्योरिटी हो जाती है और इंडोरेंस अच्छी हो जाती है, तब हमको मैराथन की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंडर 20 भी लोग मैराथन कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हों, लेकिन ये मेथड कहता है और सिद्धांत भी कहता है 21 ईयर्स के बाद ही आपको मैराथन में जाना चाहिए, 21 किलोमीटर में। उसके बाद जब आप मैराथन हाफ अच्छी कर लेते हैं, फिर आप फुल मैराथन में जा सकते हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तभी इसको आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा देखेंगे और बीच में छोड़ेंगे तो पूरा बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं आपके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डे, हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम 7 दिन का होगा। 7 दिन में हम पहले दिन में फर्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले 15 से 20 मिनट हम वार्म करेंगे, ABC एक्सरसाइज करेंगे, नॉर्मली 4-5 स्टेट लगाएंगे, उसके बाद आप मेन वर्कआउट पर आएंगे। आपका वार्म अप हो चुका है, अभी हम मेन वर्कआउट की तरफ चलते हैं। तो मेन वर्कआउट में आप जब पहले हम करते हैं तो वार्म अप अति आवश्यक और स्ट्रेट अति आवश्यक है, इसलिए क्योंकि जब हम मेन वर्कआउट की तरफ जाते हैं तो वार्म अप और स्ट्रेचिंग होगी प्रॉपर। अगर आपकी वार्म अप होगी तो आपकी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप विदाउट वार्म अप के कंपटीशन दौड़ते हैं या ट्रेनिंग करते हैं तो इंजरी के चांसेस होते हैं। चलो आप चलते हैं मेन वर्कआउट पर। तो आज आपका पहला दिन है यानी कि फर्स्ट डे, वार्म अप आप कर चुके हैं सारी कार्रवाई, अब आपका मेन वर्कआउट आता है। तो मेन वर्कआउट जो हम करते हैं तो 15 किलोमीटर होगा, 4 मिनट से 4:10 पर किलोमीटर आपका वर्कआउट है, यानी कि टोटल 15 किलोमीटर 4 मिनट से 4:10 मिनट पर किलोमीटर। इसके बाद 10 से 15 मिनट आप रिकवरी रन करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और सुबह का सेशन आपका फिनिश। अब आप हम चलते हैं शाम को। शाम का सेशन आपका 6 किलोमीटर रनिंग होगी, जिसका पेस होगा 5 मिनट से 5:10 पर किलोमीटर। 10 से 15 सेकंड आपकी रिकवरी रन होगी और एक्सरसाइज होंगी नॉर्मली स्ट्रेचिंग, और आप इसको फिनिश कर देते हैं। पहला दिन आपका सुबह शाम ख़त्म हो चुका है, अब हम चलते हैं सेकेंड डे। सेकेंड डे यानी कि अब आपको आवश्यकता होती है कि हमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हैं। हिल का मतलब है कि आपके पास कोई पुल है, ब्रिज जिसको कहते हैं, और वो बिल आपका रेल का भी हो सकता है, आपके नज़दीक कोई पुल हो 400-500 मीटर के लगभग, तो आप उसमें 40 मिनट कंटिन्यू रनिंग करेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो फास्ट जाएंगे और नीचे आएंगे तो बिल्कुल स्लो आएंगे। इस तरह से 40 मिनट कंटिन्यू करेंगे और 10 से 15 मिनट आपकी रिकवरी रन और आप छोड़ देंगे। अब शाम का वर्कआउट आता है। शाम के लिए हम अब आवश्यक है कि आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए मसल की, तो हम शाम को थोड़ा ABC एक्सरसाइज करेंगे। ABC एक्सरसाइज से आपकी रनिंग इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है, रनिंग स्पीड भी आती है और रनिंग की टेक्निक भी सुधरती है। तो आप आधा घंटा ABC एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज को 2 बार करेंगे और शाम का वर्कआउट आपका फिनिश हो चुका है। अब आता है आपका तीसरा दिन। अब तीसरे दिन में हम जैसे कि कहते हैं कि माइलेज कवर करना जरूरी है, कि माइलेज के ऊपर ही मैराथन चलती है, ये कि हाफ मैराथन है, उसके बाद फुल मैराथन आती है। तो आज हमारे किलोमीटर होंगे 18 से 20 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर होगा आपका जो पेस होगा 4:20 से 4:30, 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 30 सेकंड पर किलोमीटर होगा। टोटल 18 से और 20 किलोमीटर होंगे कंटिन्यू। इसमें आप फास्ट नहीं करेंगे, आप अपने पेस का जजमेंट करेंगे, और पेस से जब आप रनिंग लेके जाएंगे तो आगे आगे जैसे भी आप इंक्रीज करते जाएंगे आपका पेस इंक्रीज होगा। जरूरी है कि आप अपने पेस को मेंटेन करें। जब आप पेस मेंटेन करते हैं तो आपकी रनिंग में परफॉर्मेंस में बेस्ट काम करती है,
ना तो आपकी बॉडी थकती है ना रुकती है, इसलिए पेस की अति आवश्यक है। अगर आपसे कहा गया है कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी 4:20-4:30 के बीच है और आप इजी जा रहे हैं तो आप जाइए, क्योंकि आप एंड्योरेंस कवर कर रहे हैं। इसके बाद 10 से 15 मिनट आपकी रिकवरी रन होगी और शाम का आपका फुल रेस्ट होगा। इस तरह से आपके 3 दिन की ट्रेनिंग फिनिश हो चुकी है। अब चलते हैं हम फोर्थ डे सुबह। अब आप कहते हैं थोड़ी स्पीड भी चाहिए, तो फोर्थ डे में हम 15 लगाएंगे 200 मीटर 15, जिसका पेस 32-33 सेकेंड होगा पर 200 मीटर। अगर आप रिकवरी की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, रिकवरी आपकी 90 सेकेंड से 2 मिनट के बीच आप ले सकते हैं। इस तरह आपका फोर्थ डे फिनिश हो जाता है। अब हम चलते हैं शाम के टाइम। शाम को जब हम चलते हैं तो हमें आवश्यकता कि मसल हमारी थक चुकी हैं तो थोड़ी हमें स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ कैसे चाहिए, हम ऑन बॉडी वेट स्ट्रेंथ कर सकते हैं। तो ऑन बॉडी वेट में आप कोर एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज को आप दो बार करेंगे। एक एक्सरसाइज का जो टाइम होगा 35 सेकंड से 40 सेकंड होगा। टोटल एक्सरसाइज 6-8 करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी मसल को स्ट्रेंथ दे रही हैं ऑन बॉडी वेट। तो ये आपका फोर्थ डे फिनिश हो चुका है पूरा वर्कआउट। अब आता है आपका फिफ्थ डे। फिफ्थ डे आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका कहना है कि सर हमें किलोमीटर भी तो चाहिए, स्पीड की भी आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही बात है। अब हम इसमें लगाएंगे 8 से 10 किलोमीटर जो सिंगल होंगे, और जिनका पेस होगा 3:10 से 3:15 मिनट पर किलोमीटर, 3:10 से 3:15 पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बीच में जो रिकवरी है, ये सिंगल किलोमीटर हैं, जैसे मैंने पहले कहा सिंगल लगाने हैं। 1 किलोमीटर का टाइमिंग मैंने आपको बताया है। अब 1 किलोमीटर के बीच में जो रिकवरी होगी वो 90 सेकंड से 2 मिनट के बीच होगा। इससे कम आप रिकवरी लेके आप लगा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये आपका सुबह का सेशन 5 वक्त ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं शाम के टाइम। शाम को हम बिल्कुल इजी 5 किलोमीटर रनिंग करेंगे 5.5 मिनट पर किलोमीटर। उसके बाद 10 से 15 मिनट कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करेंगे और थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे और हम शाम का सेशन फिनिश कर चुके हैं, यानी कि 5 दिन आपके पूरे हो चुके हैं। अब आपका आता है 6th डे, जो बहुत ही अच्छा है और जानदार है। 6th डे में आप डरने की आवश्यकता नहीं है। ओरी बाबा ये क्या हो गया, ये तो बड़े किलोमीटर है भाई, अगर 21 किलोमीटर आपको दौड़ना है तो ओरी बाबा दौड़ना ही पड़ेगा। तो आज हम चलेंगे 22 किलोमीटर। कितना 22 किलोमीटर जाएंगे, मत डरिए, आपका पेस बहुत अच्छा है। इसमें आप 4.5 मिनट पर किलोमीटर से 4:40 पर किलोमीटर की स्पीड से आप जाएंगे, लेकिन किलोमीटर आप 22 कवर करेंगे। ये आपका सेशन है सुबह का। और उसके बाद 10 से 15 मिनट आपकी रिकवरी रन होगी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी। बीच में आप पानी वानी पीते रहेंगे, थोड़ा पानी बहुत ज़रूरी है, और आप कर छोड़ देंगे। सुबह का ये सेशन फिनिश हो चुका है। अब शाम का हमारा फुल रेस्ट है, फुल रेस्ट शाम का होगा। संडे का हमारा सुबह का फुल रेस्ट होगा, लेकिन संडे में शाम के समय हम वार्म अप करेंगे और 4-5 किलोमीटर रनिंग करेंगे, और जो 5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि नेक्स्ट वर्कआउट के लिए हमें तैयार करना। इस तरह से आपका 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैराथन का है वो पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपने जो मांगा था वो मैं दे चुका हूँ और आपका परफॉर्मेंस बेस्ट आएगा। लेकिन साथ ही कहना चाहूँगा कि जो लड़के इससे पास कर सकते हैं, ये एक प्लेटफार्म है, एक रास्ता है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, जैसे आपको सुटेबल है उस तरह से आप अपनी बॉडी को सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बताया उसी पेज से आप जाएंगे। अगर आपकी बॉडी सेट है और उससे बढ़िया आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम को किलोमीटर में आप घटा सकते हैं और माइलेज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और माइलेज का टाइम भी पर किलोमीटर इंक्रीज कर सकते हैं, डिपेंड फॉर योर कैपेसिटी। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए ये टिप्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ मैं आपका इंटरनेशनल कोच कैप्टन अमरीश कुमार आदाना आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।